हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज माय कुकिंग ब्लॉग। तो आज के कुकिंग ब्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं ये पालक पनीर रैप। बहुत ही सिंपल तरीके से जो घर में सामान होते हैं उसी से बनाएंगे, बिल्कुल झंझट नहीं है, फटाफट से बनाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, उसके बाद डाल दिया है बारीक लंबा कटा हुआ ऑनियन, उसको सोटे कर लिया है, उसके बाद डाल दिया है ये कैरेट, इसको भी लंबे लंबे करके ही कट करा है मैंने। उसके साथ मैं डालूंगी बीट रूट, आप इसमें कैप्सिकम और पत्ता गोभी का भी यूज कर सकते हैं, मैं नहीं पसंद करती ज्यादा तो मैंने नहीं डाला है। बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और काली मिर्च जरूर से डालेंगे, उससे जो इसका फ्लेवर है वो इनहेंस होता है। बस जब ये सॉटे हो जाएगा हल्का सा, उसके बाद डाल देंगे पनीर। यहां मैं पनीर को फिंगर शेप में कट करके डाल रही हूं, आप चाहे तो इसको छोटा छोटा करके क्यूब्स में डाल सकते हैं। इसको बहुत ही हल्के हाथों से चलाएंगे जिससे कि पनीर हमारा फटे नहीं, टूटे नहीं। इधर मैंने पालक का इस्तेमाल किया है डो बनाने में, तो यहाँ पे मैंने पालक को पीस कर गेहूं के आटे में मिक्स करके उसका डो रेडी किया है। बस एक नॉर्मल लोई लेके इसको रोटी की शेप में बेलकर एक पराठे की तरह सेक लिया है। नॉर्मल पराठे की तरह सेकना है, आप बटर का या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकने में टेस्ट और अच्छा आएगा। बस यहाँ एक नॉर्मल पराठे की तरह इसको सेक लेंगे और फिर लास्ट में इसको जो हमने स्टफिंग बनाया था उसके अंदर अच्छे से फिल कर देंगे। बहुत ही ईजी है ये, सिंपल तरीका है बच्चे को मतलब कुछ हेल्दी देने का। तो यहाँ पे मैंने चटनी ली है, हरी चटनी ली है, मेयोनीज का इस्तेमाल किया है और केचप का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें पिज्जा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जो स्टफिंग रेडी करी थी उसको इसके ऊपर बीच में रख देंगे और लास्ट में ऊपर से रख देंगे पनीर के पीसेस। बस साइडों से इसको रोल कर देंगे और पेपर रैप में लगा देंगे, अच्छे से रैप हो जाएगा। ये तैयार हो जाएगा हमारा पनीर पालक रैप, बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। बच्चों को दीजिए, बच्चे बहुत हैप्पी होके खाएंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।